हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयमीन, आप देख रहे हैं टेकी जयमीन। दोस्तों, यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें दोनों ही फोन अंडर 15,000 की कैटेगरी में ये दोनों फोन देखने को मिल जाते हैं। जिसमें जो पहला जो फोन है वो रेडमी की तरफ से देखने को मिलता है, रेडमी 13 5G, जो फिलहाल अभी अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा IQ का Z9X 5G। ये दोनों फोन की जो स्पेक्स वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो प्राइस रेंज है वो अंडर 15,000 की कैटेगरी में ही देखने को मिलता है। तो अगर आपको इसी प्राइस सेगमेंट में कौन सा इन दोनों फोन के बीच में कौन सा फोन लेना चाहिए, इसी के बारे में बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। पहली थी दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो रेडमी के 13 5G में देखने को मिलते हैं 6.79 इंचेस की फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ 550 nits की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3K प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे क्रिस्टल डिजाइन ऐसा इंट्रोड्यूस किया है रेडमी ने, लेकिन स्टिल यहाँ पे नॉर्मली जैसे जो डिजाइन आती है उस तरह का ही ये फोन देखने को मिलता है, लेकिन ठीक ठाक आपको डिस्प्ले बहुत ही बड़ी साइज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। लेकिन वहीं पे आपको IQ के Z9X 5G में आपको 6.72 इंचेस की फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ आपको IPS LCD पैनल डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसमें भी आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। पंचोल कैमरा डिजाइन के साथ 1000 nits का आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन और पीछे आपको प्लास्टिक की बॉडी देखने को मिल जाती है। ऑल टुगेदर यहाँ पे भी डिस्प्ले अच्छी है, डिस्प्ले साइज में स्लाइटली फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है, और यहाँ पे जो पीक ब्राइटनेस है उसमें आपको फर्क देखने को मिल जाता है। तो अगर आप पीक ब्राइटनेस के हिसाब से यानी कि सनलाइट आप ज्यादा रहते हो तो यहाँ पे आप इस फोन को प्रीफर कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले वाइज दोनों फोन बराबर से देखने को मिल जाते हैं। बात करें अभी दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, बताते हैं यहाँ पे रेडमी के 13 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 4 Gen 2 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो 4nm पे काम करता है, ऑक्टाकोर पावर है, 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है, और यहाँ पे एड्रिनो का 630 वाला GPU देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, गेमिंग मल्टीटास्किंग यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग में आसानी से आप कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे IQ के Z9X 5G में आपको स्नैपड्रैगन का 6 Gen 1 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, और ये भी 4nm पे काम करता है, ऑक्टाकोर पावर है, 2.2 GHz पे क्लॉक्ड है, और एड्रिनो का 710 वाला आपको GPU देखने को मिल जाता है। CPU वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली आपको रेडमी के 13 5G का 4 Gen 2 है वो थोड़ा सा बेटर है 2.3 GHz से। वहीं पे 6 Gen 1 में आपको 2.2 GHz यानी क्लॉक स्पीड थोड़ी सी बेटर यहाँ पे रेडमी के 13 5G में अच्छी खासी देखने को मिलती है। लेकिन अगर GPU वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे IQ के Z9X थोड़ा सा बेटर देखने को मिल जाता है, यानी कि अच्छी खासी गेमिंग आपको करनी हो तो यहाँ पे IQ का Z9X बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरियंट की, बताएंगे यहाँ पे रेडमी के 13 5G में आपको दो वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, 6GB रैम 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसमें LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज जो 2TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे जो हाइब्रिड है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक्सपेंडेबल ऑप्शन दिया है। और वहीं पे आपको IQ के Z9X 5G में आपको 3 वेरियंट देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 2 वेरियंट तो वही सेम है, लेकिन जो 4GB 128GB वाला वेरियंट है वो आपको अलग से बेस वेरियंट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे भी सेम LPDDR4X रैम का सपोर्ट और UFS 2.2 की स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे एक्सपेंडेबल स्टोरेज है वो 1TB तक एक्सपेंड कर पाएंगे जो कि हाइब्रिड है, तो दोनों में आपको हाइब्रिड ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले दोनों फोन बराबर से, फर्क यहाँ पे जो सिंगल वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट है 4GB वाला वेरिएंट वो आपको IQ के फोन में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा की, बताएंगे यहाँ पे रेडमी के 13 5G में आपको 108MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f/1.75 के साथ में, दूसरा आपको फालतू का 2MP का मैक्रो और तीसरा 2MP का आपको एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है, जिसकी खास जरूरत होती नहीं है, और यहाँ पे सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, जिसमें 1080p तक की 13fps तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, जिसमें EIS का सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन वहीं पे IQ के Z9X 5G में आपको 15MP का प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है f/1.8 के साथ में, दूसरा 2MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा जो कि यहाँ पे यूजलेस है, और यहाँ पे भी आपको सिंगल LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे 4K और 1080p तक की 13 और 16fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर पाएंगे EIS ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पे कैमरा फीचर्स वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली आपको Z9X बेटर देखने को मिल जाता है। वहीं पे रेडमी के 13 में आपको 108MP दिया है, इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है यानी कि फीचर्स के वाइज देखने जाए तो यहाँ पे बहुत कम है, जिसके कारण मुझे लगता है कि IQ का Z9X बेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे जो कैमरा में फीचर्स कम है उसका कारण यही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे कॉम्पेटिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे 1080p 13fps तक रिकॉर्डिंग कर सकता है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मुझे कैमरा वाइज यहाँ पे पर्सनली IQ का Z9X बेस्ट लगा। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के
सेल्फी कैमरा की देखेंगे यहाँ पे रेडमी के 13 5G में आपको 13 मेगापिक्सल की पंचुअल सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.4 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और यहाँ पे 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे IQ के Z9X 5G में आपको 8 मेगापिक्सल की पंचुअल सेल्फी देखने को मिलती है f2.2 एपर्चर के साथ में HDR कैमरा और 1080p तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली सेल्फी कैमरा वाइज ऑन द पेपर देखे तो यहाँ पे रेडमी के 13 5G का कैमरा वो थोड़ा सा बेस्ट देखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे वीवो की ऑप्टिमाइजेशन IQ के फोन में देखनी हो यानी कि सेल्फी कैमरा थोड़ा बहुत ब्यूटिफिकेशन चाहिए तो यहाँ पे IQ का फोन भी इतना बुरा देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में डिफरेंस हो सकता है। बाकी ऑन द पेपर देखे और मेगापिक्सल काउंट के मुकाबले देखे तो ऑब्वियसली रेडमी 13 का सेल्फी कैमरा है वो बेस्ट देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बताएंगे रेडमी के 13 5G में आपको 5013 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जिसमें 33 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं पे IQ के Z9X 5G में आपको 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है जिसमें 44 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यानी कि चार्जिंग स्पीड और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी वो ज्यादा ही आपको अच्छी IQ के फोन में देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू रेडमी के 13 5G, क्योंकि रेडमी के 13 5G में आपको टिपिकल 5000 मिलती है और यहाँ पे बैटरी भी आपको चार्जिंग स्पीड भी आपको नॉर्मल 33 W जैसी मिलती है वैसे। तो चार्जिंग स्पीड के मामले में और बैटरी बैकअप के मामले में IQ का फोन बेस्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें हाइपर OS का कस्टमाइजेशन रेडमी के 13 5G में देखने को मिलता है। वहीं पे IQ के Z9X 5G में आपको फन टच OS 14 का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत स्टेबल यहाँ पे IQ का फोन मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। हालांकि रेडमी का फोन है उसमें हाइपर OS अच्छा ही है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपडेट वाइज देखने जाए तो थोड़ा बहुत लेट आता है, जबकि IQ का फोन में आपको अपडेट बहुत ही अच्छी तरह से आ जाते हैं और यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर है वो भी आपको बहुत ही वेल ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बताएंगे दोनों ही फोन में आपको नॉर्मल सेंसर और दबी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 mm ऑडियो जैक दोनों ही फोन में देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिलता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ का 5.3 रेडमी के 13 में देखने को मिलता है, वहीं पे ब्लूटूथ का 5.1 IQ के Z9X 5G में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको रेडमी के 13 5G में आपको सिंगल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिलता है, वहीं पे IQ के Z9X 5G में आपको ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली आपको कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में दोनों फोन बराबर से, अगर आपको ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे IQ के Z9X 5G को कंसीडर कर सकते हो। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर ब्रांड और प्राइस की, बताएंगे रेडमी के 13 5G में आपको 3 अलग अलग कलर ब्रांड देखने को मिल जाते हैं, जबकि यहाँ पे बेस वेरियंट है उसकी प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे 14,000 की प्राइस में फोन देखने को मिलेगा और इसका जो दूसरा जो वेरियंट है आपको 15,500 रुपए की प्राइस में फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी जो सेलिंग है आपको 12 जुलाई को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अमेजोन पे, तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो। लेकिन वहीं पे आपको IQ के Z9X 5G की बात करूं तो इसमें आपको 2 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलता है। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे जो बेस वेरिएंट है आपको 13,000 का देखने को मिलेगा, दूसरा जो वेरिएंट है आपको 14,500 रुपए की प्राइस फोन देखने को मिलेगा और तीसरा जो वेरिएंट है आपको 15,999 यानी कि 16,000 की प्राइस फोन देखने को मिल जाएगा। और इसकी भी सेलिंग आपको अमेजोन पे देखने को मिल जाएगी, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की कंक्लूजन की बात करूं तो कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे IQ का Z9X बेस्ट रहेगा अगर पैक्स वाइज देखने जाए और प्राइस वाइज देखने जाए, क्योंकि प्राइस वाइज देखने जाए तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत अच्छी प्राइस में आपको ये फोन देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे रेडमी के फोन से कंपेयर करें 6G वाला वेरिएंट तो उसके प्राइस के 1500 रुपए की प्राइस यहाँ पे ज्यादा हो जाती है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे स्पेक्स वाइज देखने जाए तो परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अच्छी है IQ के फोन में एज कम्पेयर टू रेडमी के 13, और कैमरा वाइज देखने जाए तो यहाँ पे भी कैमरा अच्छा खासा देखने को मिलता है IQ के फोन में और डिस्प्ले भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाती है और बैटरी कैपेसिटी भी आपको ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे रेडमी 13 5G लॉन्च किया है लेकिन वो नाम एक कहता है ना कि एक नेम के लिए यहाँ पे लॉन्च किया है, बाकी कुछ ज्यादा यहाँ पे फीचर वाइज अच्छा खासा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको दोनों फोन में से कौन सा फोन पसंद आया, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतने दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूल, मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।